गाइस आपका जो कीपैड वाला फ़ोन है उसके अंदर आपका जो सिम है वो डीएक्टिवेट हो गया है। यहाँ पर देख सकते हो जो सिम डीएक्टिवेट, उसके साथ आपका जो नेटवर्क है वो नहीं दे रहा है। तो इसको किस तरीके से आप सॉल्यूशन करोगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाले हैं। तो इसको करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, आपको पहले आपको जो फ़ोन का जो मेनू बटन है, मेनू बटन के अंदर चला जाना है। उसके बाद आपको सेटिंग को क्लिक कर देना है, उसके बाद कॉलिंग सेटिंग्स, उसके बाद डुअल सिम में क्लिक कर दो, फिर से यहाँ पर स्टैंड बाय मोड जो सेटिंग है इसके अंदर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो तो जो सिम है डीएक्टिवेट है, यहाँ पर जो सेटिंग है वो ऑफ़ है, यहाँ पर देख सकते हो तो ये ऑन है, तो इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो तो सर्चिंग नेटवर्क है, यहाँ पर वी आई लिखा आ गया, फिर से मैंने यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दिया, फिर से ऑन कर दिया। यहाँ पर सर्चिंग नेटवर्क दिखा रहा है भाई, बैक करो, यहाँ पर सर्चिंग नेटवर्क दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हो नेटवर्क आ चुका है, यहाँ पर वी आई भी आ चुका है। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो इजीली।